जब मुद्दों की बात करी जाती है और मुद्दों पर जवाब नहीं होता है तो धर्म का, सूडो नेशनलिज्म का पत्ता अपने पिटारे से निकाल कर खेल देते हैं। जब लोग पूछते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आने थे, वो कहाँ गए? लोग पूछते हैं, आपने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, वो नौकरियां कहाँ हैं? हम बेरोजगार बैठे हैं। लोग पूछते हैं कि आप कहते थे कि रुपया इतना गिर गया और प्रधानमंत्री की हैसियत उससे ज्यादा गिर गई है, आज रुपया कितना ज्यादा डॉलर के मुकाबले गिर गया, आप सब जानते हैं देश की इकोनॉमी की क्या हालत है। लोग पूछ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दिल्ली में आपने मेट्रो के दाम बढ़ा दिए, इस पे सवाल आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं रफाल के घोटाले पर, इतने सारे सवाल आ रहे हैं। तो सरकार जवाब नहीं दे रही है, सरकार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद या सूडो नेशनलिज्म के पत्ते खेल देती है कि इससे सारी बाकी जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाएं और हम बात सिर्फ इसी पे करें और इसमें हम बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो इस प्रकार से देश के नैरेटिव को और एक मीडिया के बड़े तबके का प्रयोग कर कर इस नैरेटिव को शेप करने का और जो असली मुद्दे हैं, आज आप यदि किसी गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले में चले जाएं तो वास्तव में लोग यही पूछ रहे हैं कि भैया हमारी नौकरी कहाँ है, हमारे पैसे कहाँ हैं, हमारी नोटबंदी ने हमारे धंधे ठप कर दिए, हमारा बेटा बेरोजगार बैठा है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, गैस सिलेंडर 400 रुपए से 900 रुपए हो गया। ये सबसे अहम मुद्दे हैं जो देश के आम आदमी को आज परेशान कर रहे हैं। इस पे जब जवाब मांगे जाते हैं सत्ताधारी दल से तो फिर राष्ट्रवाद की, धर्म की, मंदिर मस्जिद की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, अभी मेरे साथी गौरव भाटिया जी जो पेशे से बड़े मशहूर वकील हैं, उन्होंने बात कही, पता नहीं कौन सी इंसिडेंट का रेफरेंस दे रहे थे, मुझे तो ध्यान में नहीं आया, कि कुछ लोगों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में निलंबित था और वो उसका फैसला आने से पहले हमने कुछ बयान दे दिया। मैं उसके बाद फिर उसी स्वर में उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पर मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी को पीटा गया। अब एक जगह आप कह रहे हैं कि मामला सब ज्यूडिस था इसलिए उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए था, दूसरी जगह कह रहे हैं अभी वो मामला सब ज्यूडिस हो सकता है चीफ जस्टिस वाला, पर आपने मारा, मैं आपको दोषी करार दे रहा हूं। अरे भाई, वो मामला अब विचाराधीन है, कोर्ट में निलंबित है।